हेलो फ्रेंड्स, तो हैप्पी दिवाली सबसे पहले सबको। ये देखिए मैं बनाई सूरन की सब्जी, ये सरसों मसाला वाला सब्जी है और ये मैं अपने पहली बार बनाया हुआ है ये सब्जी, देखते हैं कैसा लगता है। और इस तरह देखिए चना का दाल जो होता है वो मैंने बॉईल किया हुआ था और इसका बनेगा पूरी या फिर पराठा, जैसे भर के बनाते हैं आलू वगैरह। तो ये अच्छे से हो गया है, अभी मैं मसल ही रही थी तो मैंने सोचा चलो वीडियो शुरू कर देते हैं। इस तरफ दाल चढ़ा हुआ है, चना दाल खींच है और इधर बन रहा है खीर। ये देखिए अभी ये बन रहा है, अभी तैयार नहीं हुआ है। और बनाएंगे हम, ये देखिए पनीर लाए हैं, पनीर और ये गोभी आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली सबको। तो मैं उल्टे हाथ से ली हुई है फ़ोन को, अजीब टाइप से आ रहा है। और ये देखिए मैं दाल पीस रही थी, हाथ से मिस रही थी, इतना उबल जाता है कि हाथ से आप मिस सकते मसल सकते हैं। तो उसी का जो दाल भर का पूरी बनेगा या पराठा बनेगा उसी के लिए है। मैं थोड़ा ठीक से पकड़ लूँ फ़ोन को, हाँ, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। सूरन की सब्जी बना रही है, सुना है दिवाली के दिन सूरन की सब्जी बनानी चाहिए, मैं पहली बार बना रही हूँ तो आपको दिखाया मैंने। खाने में देखते कैसा लगता है। और इसमें चना दाल बना रहे हैं, दाल और खीर बन रहा है। और ये रात के लिए, डिनर के लिए मैं अभी बना दूंगी क्योंकि रात में फिर शाम में समय नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, पूजा पाठ करते करते समय हो जाता है। रोटी से पूरी या पराठा जो भी होगा रात में बनाएंगे। और ये गोभी आलू पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे मिला के, क्योंकि बच्चे जो है ना पनीर खाते हैं तो इसलिए उसमें पनीर थोड़ा सा डाल दे रहे हैं। थोड़ा सा क्या, 250 ग्राम पनीर है। तो ये है पनीर, है ना। तो चलिए मिलते हैं बाद में। और सारा सामान आ गया है दिवाली का, दीपावली का जो सामान होता है, पूजा पास मुझे पूजा पास भी सब कुछ ठीक करना है, लगाना है, इधर का काम निपटा लूँ, उसके बाद रंगोली भी बनानी है, बहुत सारा काम है। पहले खाना का काम कर लेते हैं, सबसे बड़ा काम है। चलिए मिलते हैं सीधे शाम में, क्योंकि दिन में मुझे समय नहीं मिलेगा। घर धुल दिया है बाहर से लेके भीतर तक पूरे, और एकदम बाहर इन्होंने घास वगैरह सब साफ कर दिया है, बहुत गंदगी थी तो वो सब साफ हो गया है। और बस ये देखिए मैंने खिड़की के इसको कलर कर दिया था, बताइए कैसा लग रहा है। ये पहले मरून था और इस बार मैंने ये कलर कर दिया है और अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा सा लग रहा है। चलिए अभी बातें मिलते हैं आपसे, तो कहते बाय, हैप्पी दिवाली, सेफ से पटाखे छोड़िए, बहुत कम पटाखे छोड़िए और खूब मिठाइयाँ खाइए, खूब नहीं खाइए, हिसाब से खाइए। चलिए बाद में मिलते हैं, हैप्पी दिवाली सबको, राधे राधे। और वेलकम टू एस के एंड फैमिली ब्लॉग्स। नया नया नाम रखे हैं तो थोड़ा सा बोलने में लगता है अटपटा, नाम चेंज कर दिया मैंने, बहुत दिन से चेंज करने का सोच रही थी नाम में, सो मैंने नाम चेंज कर दिया है, है ना। तो चलिए अभी बाद में मिलते हैं, टेक केयर। तो चलिए फ्रेंड्स, शाम हो गई है और इस समय बहुत लेट हो गया था मैं पूजा करते करते, क्योंकि मैं शाम को 6:30 बजे फिर कुछ सामान लाने चली गई थी। तो अभी हम दोनों मिलके ही पूजा करते हैं, कोशिश तो यही रहती है कि साथ में पूजा कर ले, और साथ में ही करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ इनको समझानी पड़ती है तो फिर मैं फिर खुद भी करने लगती हूँ। तो ये जो पूजा होता है, मतलब आदमी लोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है और साथ में मिलकर करें तो बहुत अच्छा होता है। तो हर घर में आप देखते होंगे दिवाली का पूजा जो है आदमी लोग ही करते हैं, मतलब आदमी मतलब मर्द लोग, हस्बैंड लोग करते हैं, कोई भी लड़का करता है, और शादीशुदा है तो दोनों मिलके करिए। तो ये पूजा कुछ इस तरह से ही होता है, और मुझे जितना समझ में आता है, मैंने जितना अभी तक देखा है, तो मैं उस तरह से पूजा करती हूँ। कृष्ण जी का माला जो है लाई थी मैं, वो टूट गया था तो मैंने गेंदा का फूल का माला लगा दिया, इससे मैं आरती हो रही।
आरती हो गई है। आरती को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, बहुत लंबी आरती हो जाती है। और इसे मैं अंकित को बोल रही हूँ थोड़ा एक पिक्चर क्लिक करने के लिए। ये साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है साड़ी। तो इससे मैं सब कुछ आरती वगैरह हो गई थी, इसमें मैं हुमाद करती हूँ। हुमाद जो है हवन करना जो बोलते हैं, वो करके मैंने हाथ में लिया हुआ हुमाद दानी है, उसमें हुमाद रख किया हुआ मैंने। और अंकित के साथ फ़ोटो खिंचवा रही हूँ मैं, बाबू और अंकित। तो अंकित बहुत बड़ा लग रहा है मेरे सामने, तो मैं बोल रही हूँ अंकित बड़ा हो गया है। सभी घर में मैं हुमाद जो होता है उसका ये कर दूँगी, सब जगह उसका धुआँ जो होता है वो अच्छा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पूजा वूजा हो गया है, अंकित भी आपको नमस्ते कर रहे हैं। और चलिए पूजा तो हो गया, पूजा का एक लुक मैं आपको दिखा देती हूँ, कितना सुंदर, कितना मनोरम, कितना अच्छा लगता है ये देखिए। सब पूजा बढ़िया से हो गया है हमारा, और बस भगवान से यही दुआ करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि सबका घर जो है धन धान्य से भरे रखे, सबको स्वस्थ रखे, सबको खुश रखे, सुरक्षित रखे। और 2 साल तो हम लोग अच्छे से दिवाली मनाए नहीं, इस साल दिवाली अच्छे से मना रहे हैं। भगवान सबको स्वस्थ रखे और भगवान सबके घर में सुख संपत्ति और धन धान्य बनाए रखे। पूजा हो गई है और बहुत देर हो गया है, और अभी जो है ये कुलिया चुकिया, कुड़िया चुटिया ये करना है, कुड़िया चुटिया लड़कियां घर में करती है, बेटियां करती है। चलिए तो फ्रेंड्स, ये मेरा लुक है दिवाली का, और बेटा भी मेरा नमस्ते कर रहा है आप लोग को। तो चलिए अभी चलते हैं घरौंदा की तरफ। यहाँ देखिए छोटे छोटे बर्तन जो है वो मिलते हैं, 2-3 साल मुझे यहाँ पर नहीं मिला, बनने लगा है ये छोटा छोटा बर्तन जिसे हम लोग कुल्हिया चुकिया बोलते थे, चुकिया कुल्हिया कुल्हिया और चुकिया, जिसमें सारे किचन के बर्तन सेट होते हैं। ये भी मैंने सेट लिया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं फिर भी मिल गया, इतना काफ़ी है। घरौंदा यहाँ नहीं मिलता है तो मैंने घर में ही बना लिया। बाबू घरौंदा का पूजा कर रही है और घर भरेगी, बच्चियां जो है घर भरती हैं, और लड़की जो होती है लक्ष्मी का रूप होती है, तो लड़की के हाथ से लक्ष्मी के हाथ से घर भरा रहेगा तो हमेशा घर भरा रहेगा और घर में हमेशा किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बेटी जो होती है लक्ष्मी का रूप होती है तो उसको तो खैर कुछ कहना ही नहीं। तो मुझे मैंने इसे वही करवाया है, और ये देखिए घर भर के रख देगी, इसकी मदद मैं थोड़ी सी कर दे रही हूँ क्योंकि इसने पहन रखा है लहंगा और दिया वगैरह जल रहा है अगरबत्ती, तो थोड़ा सा डर लगता है कहीं जल वाला मत जाए पकड़ मतलब। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ रख दिया, और एक जो घड़ा ऐसा दिख रहा है वो अंकित खाएगा। तो ये देखिए आरती भी कर रही है, यही है, खूब बढ़िया से इसने सब कुछ सरिया लिया है, मिठाई वगैरह, और वो भाई खाता है उसको, और यूपी में वो चीज़ भाई दूज के दिन खाता है, लेकिन हमारे यहाँ आज के ही दिन खाते हैं, दिवाली के दिन वो भाई ही खाता है। तो ये देखिए अंकित जो है मतलब इधर उधर कर रहा है पटाखे देखने के चक्कर में, तो मैंने इसे अभी टीका लगाया है, आरती दिया है। उधर जाओ भैया के पास जाओ। मुझे लगता है दिवाली का वीडियो मुझे 2 बार में करके डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना बहुत लंबी सी वीडियो है, मुझे लगता है हो जाएगा, और ज़्यादा कुछ काटने छाटने लायक है नहीं वीडियो को। तो देखते हैं अगर हो जाता है ठीक तो मैं इसे 2 पार्ट में करके वीडियो को डालूँगी। तो ये देखिए फुल ऑन मस्ती है दोनों बच्चों का, पटाखे और छुड़छुड़ी वगैरह छोड़ने का, फुलझड़ी वगैरह दिया लगा दिया है हमने, बहुत सुंदर लग रहा है। बाबू तो खूब खुश है, बहुत खुश है, और इन्हें भी पटाखे चलाने हैं, बम चलाने हैं। तो ये देखिए घर थोड़ा सजा दिया हमने। हेलो फ्रेंड्स, तो शाम हो गया, सामने रात हो गया, और रात पे अभी हम लोग आए हैं, पूरी तरह से रात हो गई है, दिवाली मन गया है। अच्छा किनको किनको याद आता है गाना, दीपावली मनाए सुहानी मेरे साईं के हाथों में जादू का पानी दीपावली। तो हम लोग छोटे में थे ना, तो ये गाना तो मुंह पर जुबान पर रहता था, मतलब जब भी पटाखे चला रहा है दिया जल रहा है तो ये गाना बजना ही था, बजना नहीं था मुंह से, मतलब गाते ही थे हम लोग।
तो कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं ना जो हमारे बचपन में वापस हम लोग को ले जाते हैं, जो जैसे दीपावली। दीपावली जो है ना वो बचपन का बहुत सारा भाव को टच करता है। इधर देखिए, तो यहाँ हैं हम और हमारे श्रीमान जी, हम अपने बच्चों के साथ पटाखे चला रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा इस इधर लुक भी दिखा देती हूँ, अंधकार में है हम लोग इधर। चलिए फ्रेंड्स, दीपावली का जो है एक लुक मैं दिखा देती हूँ भगवान जी का, अपना बाद दिखाऊंगी। ये देखिए पूजा हो गया खूब बढ़िया से तरीके से, और मैं दिखाती हूँ घर किस तरह। थोड़ा सा तो बिखर गया है, शाम हो गया। तो ये किचन में पूजा करने के बाद मैं चूल्हे का भी पूजा करती हूँ, जो मुझे आदत है। और अभी मैं दिखाती हूँ, ये खीर बन गई है और इसमें गोभी आलू पनीर की सब्जी है। देखिए आटा लग गया है, देखिए सिलबट्टे पे भी दिया रख दिए हैं। तो ये देखिए हमारे किचन का फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। थोड़ा सा बिखर गया है काम धाम करते करते, इस तरह से कुछ है। थोड़ा सा चेंजिंग करने के बाद से देखिए थोड़ा सा पेपर वगैरह लगा दिए तो सही हो गया है। नीचे देखिए ये सब बहुत अच्छा लगता है, पेपर नहीं है, प्लास्टिक है। और ये रहा हमारा नीचे का इसमें का। चलिए किचन से बाहर निकलते हैं, और किचन के सामने मैंने बस छोटा सा थोड़ा सा रंगोली बनाया है, बस ऐसे ही जल्दी जल्दी हम बना दी। ये देखिए कर्टन कितना सुंदर लग रहा था, यही कर्टन मैंने लिया है बहुत सस्ते दाम में, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, और ये भी मीशो का है, कपड़े सभी इधर उधर पड़े हैं। और ये देखिए यही कर्टन मैंने मॉल से लिया था, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये भी 100-200 का है। और ये है हमारे ऊपर, और ये वाला जो चादर, ये भी मैंने मीशो से मंगाया था, बहुत ही सुंदर लग रहा है चादर जो है। ये देखिए वो साड़ी मैंने लिया था पहले पहनने के लिए, फिर मैं दूसरा साड़ी पहन ली हूँ। तो ना बच्चे और पटाखे दोनों मिल के शोर मचा रहे हैं। ये देखिए इस रैक को मैंने अच्छे से सरिया दिया था, लेकिन थोड़ा सा हड़बड़ में हो गया है क्योंकि तैयार व्यार होते हैं तो सामान जो है ना इधर उधर बिखर ही जाता है। तो इस तरह से मैंने कुछ सरियाया है रैक को, जिसे अलमीरा बोलते हैं यहाँ पे। और बहुत कुछ और सोच रखे थे, लेकिन कितना करे करते करते तो पूरे मतलब दिन निकल गए। और शाम होते होते जब पूजा करना होता, जल्दी तैयार होना रहता है, तो सामान इधर उधर हो जाते हैं, बच्चे घर में हैं तो ऐसे ही हो जाते हैं। कर्टेन बहुत सुंदर मिल गया है मुझे कम दाम में। ये मंदिर का बहुत सुंदर सा लुक, ये दूसरे कमरे का है। ये देखिए पर्दा कितना सुंदर लगता है, क्या बताऊँ। और ये थोड़ा रूम बिखरा बिखरा सा होगा क्योंकि अंकित रहता है इस रूम में, बच्चे रहते थे टी वी देख रहे थे। ये देखिए इसमें भी पर्दा लगा दिए हैं, और इधर टेबल रख दिए हैं। देखिए ये एक्स्ट्रा किताब कॉपी जो बेचना है, बहुत ज़्यादा मतलब हो गया है पुराना। ये देखिए खाकर प्लेट रखे हुए हैं। ये हमारी सिंपल सी रंगोली, तो चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना। हैप्पी दिवाली सबको। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और एक बेल आइकन जरूर दबाइएगा एसकेएन फैमिली व्लॉग्स में। तो चलिए उम्मीद है आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तब तक के लिए बाय। कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, बाय बाय एंड टेक केयर। बताइएगा मेरा लुक और मेरे घर का लुक कैसा था। राधे राधे सबको, हैप्पी दिवाली।